पूरा होना, तो इसलिए मैं मीनाक्षी जी को कहूंगा आप आगे लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। मीनाक्षी जी धन्यवाद। मैं आप सबको देख रही थी और क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में ज्यादातर लोगों से मैं परिचित हूँ और ज्यादातर लोग मुझसे परिचित हैं, आप सबसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँ, आप लोगों में जिन लोगों ने कैप्स नहीं पहनी हुई कृपया करके कैप्स पहने पहन लें, क्योंकि वो आंखों की शोभा के लिए ही आवश्यक समझिए आवश्यक है, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो कमिटमेंट इकट्ठे होने का जाता है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है। एक तस्वीर ही खींचने के लिए सही मगर वो तस्वीर जरूरी है, और जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे उन तक हम पहुंचा देते हैं। पहनाने का काम नहीं करते, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि खुद ब खुद टोपी पहन लीजिए, और टोपी की जो अहमियत है वो हम सबको साथ रखने की है, और उसका कारण है भारतवर्ष के अंदर जितने भी आप पहनावे देख लीजिए टोपी या हेडगियर किसी ना किसी फॉर्म में जो है हमारा हिस्सा पोशाक का रहा है, और अभी हाल ही में इस टोपी को जिस तरीके से बदनाम किया उसके रहते शायद कुछ लोगों के मन में इस फैशन स्टेटमेंट के प्रति कई कई प्रश्न चिन्ह होंगे, तो मैं यहीं से अपने भाषण की वक्तव्य की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर आप हाल ही में टोपी को देखें तो हमारा अपना इतिहास जो जनसंघ का है, ये जनसंघ की टोपी थी, संतरी रंग की, ये केसरिया रंग की, भगवे रंग की, तो ये भगवा और टोपी हमारी पोशाक का हिस्सा था। फैशन आते हैं जाते हैं और मुड़ मुड़ कर वापस पुराने फैशन नए हो जाते हैं, तो उसी नए फैशन के तहत एक अन्ना मूवमेंट चला जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, और उस पे क्या लिखा हुआ था, मैं हूं अन्ना। मैं हूं अन्ना को यूसर्प कर लिया, और आज मीडिया वाले ये चलाते हैं कि आपने जो है आम आदमी पार्टी की टोपी को काबू किया। अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टोपी को लिया, वो तो अन्ना की टोपी थी, तो अब कम से कम हर चीज का क्रेडिट एक पार्टी जो कल पैदा हुई है उसको मत दे। हम पहले जनसंघ के समय से ये टोपी लगाते हैं, बीच में डिसकंटिन्यू हुई ये प्रैक्टिस, और महाराष्ट्र पोशाक का हिस्सा था, और कांग्रेस ने सफेद लगाई तो जनसंघ ने संतरी लगाई। इसका कारण एक है, मैं ये पटका पहनती हूँ 24 घंटा, आजकल तो टीवी पे रहूं कहीं रहूं मेरा ये पटका रहता है, क्योंकि एक आइडेंटिटी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कई करोड़ है, और जो सपोर्टर्स है वो उससे भी कई ज्यादा है, लेकिन बावजूद उसके हम दिखते नहीं, हम सब चुपचाप चुपचाप काम करते हैं, और क्योंकि चुपचाप चुपचाप काम करते हैं तो वो खबर नहीं बनती। अब अगर खबर बनाने वाले लोग खाली टोपी को देखते हैं तो भाई हम टोपी पहन लेते हैं, ये जरूरत आपकी है, ये जरूरत हमारी नहीं है, हम तो बिना टोपी के भी चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस माहौल में ये हो रहा है कि खाली टोपियां दिखाई देती है, मगर बिना टोपी वाले दिखाई नहीं देते, तो इसलिए ये पहनना कहीं ना कहीं अनिवार्य सा लगा कि भाई टोपी पहने, स्कार्फ पहने, बैजेस लगाए तो कम से कम एक आइडेंटिफाइंग इश्यू बन जाए। इसलिए आज मोदी सेना वालों ने टोपी पहनना उचित समझा, तो मुझे लगा कि हम जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं हम सब लोग टोपी पहने तो अच्छा रहेगा, एक तस्वीर बहुत अच्छी बनती है। और इसी बात को कहते हुए मैं एक तस्वीर पहले खींचना चाहूंगी ताकि एक मेमोरी के लिए, एक यादगार के रूप में ही सही, ये एक बहुत या नमोटी पार्टी या चाय पे चर्चा या इन तमाम विषयों की आवश्यकता क्यों, इन तमाम विषयों की आवश्यकता इसलिए है कि आज देश की जो स्थिति है, चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे पहले देश को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। जब तक आप सुरक्षा का माहौल पैदा नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी आर्थिक विकास की बात नहीं कर सकते। अब हालात किसी से छुपे हुए नहीं है, वो बाह्य सुरक्षा को देख लीजिए कि जहां पर अफगानिस्तान से जब नेटो फोर्सेस जाने वाली है और एक तमाम तालिबान अपना बेस
पंजाब जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है वहां शिफ्ट करने वाला है, कश्मीर जो कि लगातार एक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है वहां पर उनको पुश किया जाना है, ऐसे माहौल में देश की सुरक्षा के विषय पर जब एक संजीदगी से बात होनी चाहिए तो क्या बात होती है? कश्मीर में रेफरेंडम करा लो भाई। जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने काबू किया या जहां पर अक्साई चीन और तमाम चीजें उन्होंने चीन के साथ समझौता किया, तो क्या वो वहां पे रेफरेंडम कराया था क्योंकि वो हिस्सा भारत के साथ रहना चाहता है? क्या वहां पर जो तमाम शिया पॉपुलेशन थी उससे पूछा था आपको कहां जाना है? क्या वहां पर विषय उठा था या आज भी वो विषय उठ रहा है कि कश्मीर में कौन लोग शासन करेंगे या नहीं करेंगे? और तमाम हिस्सा जो कि उस हिस्से से भारत में आया, आज उन लोगों के पास जो कि बाकी तमाम देश में आए उनके पास सिटीजनशिप राइट्स है, सब कुछ है, सब कुछ हो गया, लेकिन जो लोग आज भी जम्मू कश्मीर में हैं, वो क्योंकि आप में से बहुत लोग वकील हैं, वो सिटीजनशिप राइट्स के लिए, नागरिकता के अधिकार के लिए जूझ रहे हैं। 1976 में भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया, इतना महत्वपूर्ण शब्द था धर्मनिरपेक्ष होना, तो भारत के संविधान में तो जोड़ दिया। और ये वो समय था आप जानते होंगे प्री एमरजेंसी के दौरान, मतलब उससे पहले की सरकार जब बदली, उस समय में 54 MLA कांग्रेस पार्टी के थे और फारूक अब्दुल्ला जी के पिताजी शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, लेकिन उस समय पर बावजूद दो तिहाई से अधिक मेजोरिटी होने के बावजूद वहां के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा गया। इतना महत्वपूर्ण शब्द जो कांग्रेस पार्टी को लगा कि भारत के संविधान में जुड़ना चाहिए, जब वो मेजोरिटी में सरकार में थे जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने उस शब्द को वहां के संविधान में नहीं जोड़ा, इतना तो महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद 1986 में दोबारा से एक समझौता हुआ फारूक अब्दुल्ला जी और राजीव गांधी जी के बीच में, जिसके तहत संवैधानिक संशोधन हुए और उन संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से उन्होंने वहां की कार्यकाल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कार्यकाल की अवधि भी बढ़ाई, 5 साल की जगह 6 साल किया, अपने लिए सब सेट किया सरकार के लिए क्या क्या होना चाहिए और तमाम अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उन तमाम संशोधनों के बावजूद सेक्युलर शब्द वहां जुड़ना चाहिए उसका संशोधन नहीं हुआ। 1986 गया, अब आता है 2002। इस बार किसकी सरकार थी? पीडीपी की सरकार, कांग्रेस के समर्थन से, पीडीपी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से, जिसके अंदर समय अवधि जो 3-3 साल में शासन बंटना था, बावजूद इस बात के वहां पर सेक्युलर शब्द को नहीं जोड़ा गया। और 2005 में तो मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद थे, और गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो एक डॉक्टर हरी सिंह करके एक व्यक्ति थे जो कि पैंथर पार्टी के पहले सदस्य थे और मंत्री भी थे 2002 वाली सरकार में पीडीपी के साथ मिलकर। जब वो खुद मंत्री थे तो उन्होंने भी सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा, लेकिन 2005 में एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में वो संशोधन लेके आए, और वो संशोधन जब लेके आए कि इसमें सेक्युलर शब्द जुड़ना चाहिए, तो एनसी, पीडीपी और साथ में कांग्रेस तीनों ने मिलकर उस प्राइवेट मेंबर बिल को विफल किया। 2009, अब उमर अब्दुल्ला जी सरकार बनाते हैं और क्या लेके आते हैं? परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस, जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न था, जेंडर इक्वालिटी का विषय था, महिलाओं की संपत्ति पर जो अधिकार उनका होना चाहिए या उनके बच्चों को लेकर, उसको विफल करने के लिए, क्योंकि वो उस समय हाईकोर्ट जम्मू और कश्मीर ने एक जजमेंट पास किया और उसमें कहा कि ये सब जो 370 और ये तमाम विषय हैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है और महिलाओं के साथ ये बिल, ये जो लॉ है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और इसको हम स्ट्राइक डाउन करते हैं। 3 जजेस का बेंच था,
जस्टिस झान जी और बाकी एक महबूब हुसैन करके और एक एक और वाला नाम है मुझे वो याद नहीं आ रहा, उनका जजमेंट आया। उस जजमेंट को विफल करने के लिए ये प्राइवेट मेंबर बिल की पहले प्राइवेट मेंबर बिल लाए, अब की बार ये फिर उसका बिल लेके आए कि किसी तरीके से ये कानून बन जाए और जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू किया जाए। तब वहां के जो लोअर हाउस में वो पारित भी हो गया, अपर हाउस के जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफा देके उसको पारित नहीं होने दिया, उसके खिलाफ स्टैंड लिया, तो उनको एनसी की मेंबरशिप से बर्खास्त किया गया। अब तीन जेनरेशन तो अब्दुल्ला की निकल गई और उन्होंने सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा। और 19 जनवरी उसी हॉलोकॉस्ट डे का एक नतीजा है। 19 जनवरी 2000 ऐसा दिन था, सॉरी 1990 ऐसा दिन था जिसके अंदर कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल बाहर किया गया था। और साथ में जिस जिस तरीके के कत्ल से लेके तमाम तरीके के विषय और जो जो परिस्थितियां उनके लिए पैदा हुई, ये है माइनॉरिटी स्टेटस का हाल। क्या इन सबको सुरक्षा नहीं चाहिए? और जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, वोट फॉर नेशन फर्स्ट की जब बात करते हैं, जब हम माय आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जब हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो क्या हम बिहेडेड डीकैपिटेटेड भारत माता की बात करते हैं? क्या हम सर कलम होने वाली भारत माता की बात करते हैं कि उसका सर ही दर्द से अलग हो जाए? क्या हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात नहीं करते? तो जहां तक भारत की सुरक्षा का विषय है, अगर हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, इसलिए हमें श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री चाहिए। सेक्युलर शब्द पर हमने बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस विषय पे बात नहीं किया कि इतना महत्वपूर्ण शब्द था तो जम्मू कश्मीर के संविधान में क्यों नहीं जुड़ा। और जो लोग लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर सांप्रदायिक होने की प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, वो लोग जो कि खुद सांप्रदायिकता में लीन रहे हैं, वो लोग जो कि आज तक भ्रष्ट राजनीति करते रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करते रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आज अनिवार्य है कि आपके लिए इस शब्द की कितनी बड़ी अहमियत है, ये जब जाहिर होता है जब आप जम्मू कश्मीर के संविधान को उठाकर पढ़ते हैं। ये है। और कौन लोग काबू कर रहे हैं? एक मुट्ठी भर लोग। जम्मू कश्मीर कोई कश्मीर वैली नहीं है, उसमें जम्मू भी है, उसमें लद्दाख भी है, और जो जनसंख्या के आधार पर जो डिलिमिटेशन का विषय है वो आज तक पेंडिंग है। आज तक वहां डिलिमिटेशन के विषय पर कोई बात नहीं करने वाला हुआ, आज तक वहां पे रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होती, आज तक महिलाओं के बराबर के अधिकार की बात नहीं होती, आज तक उन महिलाओं के जो अपनी आप अंदाजा लगाइए, एक आपके यहां उमर अब्दुल्ला साहब है, वो अपने राज्य से बाहर की महिला से शादी करके ले आते हैं, उनके बच्चों को अधिकार है कि वो अगले मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सके, उन्हीं की बहन दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है, वो अपने सारे संपत्ति के अधिकारों से वंचित हो जाती है, और साथ में उसके बच्चों को अधिकार नहीं है वहां पे चुनाव लड़ने का। ये स्टेट सब्जेक्ट रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस है, ये अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है तो फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं? और जो लोग बराबरी की बात करते हैं, जो लोग सांप्रदायिक होने की बात करते हैं, वहां पर जो वजीफे हैं, अरे जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है? 880 परिवार रह गए हैं वहां पे पंडितों के, 880 पूरी स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर में, और उनको आपने बराबरी का अधिकार नहीं दिया, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं है, उनके अधिकारों की बात नहीं है। अनंतनाग का नाम क्या होना चाहिए? इस्लामाबाद कर देंगे आप रातों रात? आप वहां का इतिहास शेवाइट हिस्ट्री बदल देंगे? आप शंकराचार्य की जो पहाड़ी है उसका नाम बदल देंगे, उसको सुलेमानी पत्थर कहने लगेंगे? ये कहां का इतिहास है भाई, ये कहां की बराबरी है? और अगर हमको इन सब विषयों पे सही मायने में
एक भारत में एक नई सोच और नए सिरे से सेक्युलर शब्द के अंतर को समझना है तो हमें नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। अब आ जाइए आप दूसरे विषय पर, और इसमें वो तमाम नए लोग भी शामिल हैं जो लोग रेफरेंडम के नाम पे धोखा करते हैं, वो लोग शामिल हैं जो दिल्ली में झूठा रेफरेंडम चलाते हैं, जो लोग दिल्ली के अंदर बैठ के कहते हैं कि हमने रेफरेंडम किया। अरे कितने लोगों ने आपने रेफरेंडम किया? आपके मुताबिक जो रेफरेंडम था भाई, दिल्ली में कितने लोगों ने आपको वोट दिया? 24 लाख के आसपास, 24 लाख कुछ। और कितने लोगों ने आपको SMS और उसके माध्यम से बोला? 2 लाख कुछ। और 2 लाख में से कितनों ने हाँ बोला? 1 लाख कुछ। टोटल अगर परसेंटेज निकालें तो मात्र 2% लोगों ने, 11% लोगों ने आपको कहा कि आप दिल्ली में सरकार बनाइए। तो आपने सरकार बना ली? अरे 90% लोगों ने तो आपकी सरकार को रिजेक्ट किया ना, आपने सरकार कैसे बना ली? और मजाक देखिए, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। किसी को दिया? ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, किसी को दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया को रिजेक्ट किया। और उस आइडिया ऑफ इंडिया के रिजेक्शन में पहले ही दिन जब लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को कौन चला रहा है? कांग्रेस का नेता, वो स्पीकर ऑफ द हाउस बन के बैठे हैं भाई। ये धोखा नहीं है? आपने एक सर्वे कराया और उसके लिए बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए कि 46% जनता दिल्ली की ये चाहती है कि इस पार्टी को वोट मिले, वगैरह वगैरह वगैरह।